శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవభక్త వృంద బల హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 బల హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే కృష్ణ. కల్ హమారే గురుదేవ్ కా జన్మతిథి ఇసిలియే హమారే గురుదేవ్ నే ఉన్హోనే 31 ఉపదేశ లిఖ్ రకే ఉపదేశ హమారే గురుజీ నే లిఖ్ కర్కే గయే హే. హమ్ ఉస్కో కోశిష్ కరేంగే ఉన్హా జో ఉపదేశ హే ఉన్హా ఉపదేశ కో सुनने के लिए हम कोशिश करेंगे. उन्होंने क्या क्या उपदेश देख रखे हैं, ठीक है. इसलिए कहते संत लोगों का जो जन्म होता है, उनका जो जन्म होता है, किस लिए संत लोग इस जगत में ये साधु लोग क्यों आते हैं, बोले उसका कारण बताए. कच्चे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य తదాత్మాన సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపన అర్థాయ సంభవామి. భగవాన్ జిస్ కారణ కే లియే ఇస్ జగత్ మే ఆతే హై సాధు లోగ భీ ఉసి కారణ కే లియే ఆతే హై క్యోంకి భగవాన్ కీ బోలే భగవాన్ కా 6 తరహ కా బతా రహే హై ఉస్మే 6 तरह का भगवान का अवतार है. मन्वंतर अवतार, सत्यावेश अवतार, आवेश अवतार, गुणा अवतार है. इसलिए भगवान की 6 तरह का अवतार है. इसलिए कहते जो कभी कभी भगवान किसी जीवों को अंदर में भी अपना शक्ति को देख करके अद्भुत अद्भुत काम करते हैं. जैसे नारद जी को अवतार बताया गया, चतुसर ये भी अवतार है, पृथ्वी महाराज ये भी अवतार है, चतुसर इनको भी अवतार मानी है, कहते ये भी अवतार है. इसलिए जदा जदा ही धर्म से ग्लानी भवती, जब जब जगत में धर्म का नष्ट होने लग जाता है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, भगवान जैसे अवतीर्ण होकर के धर्म को स्थापन करते हैं, दुष्टों को संहार करते हैं, उसी तरह इस जगत में भक्त लोग भी आकर के धर्म को स्थापन करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं. बोले दुष्टों का संहार करते क्या, भगवान जैसे मारते हैं संत क्या मारते हैं, बोले नहीं, भगवान से भी ये जो संत उनसे भी ज्यादा कल्याणदायी. भगवान तो क्या करते हैं, भगवान तो ऊपर से मारते हैं लेकिन वो अंदर से तारते हैं. हमारा हृदय में जो बड़े बड़े शत्रु बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो बैठे हुए हैं, संत लोग उसको खत्म कर देते हैं. खत्म करके हृदय में भगवान का प्रेम को प्रदान करते हैं. ठाकुर जी हृदय में प्रेम प्रदान करते हैं, जैसे कृष्ण जैसे राम जान से मार दिए, जितने भी उनका कल्याण किया है भगवान का हाथ से मरने से उनका कल्याण हो जाता है, लेकिन उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन भक्ति प्रेम प्रदान करते हैं. जो भक्त है ना उसका हृदय को बदला करके भगवान का प्रेम को दे देते हैं. इसलिए भगवान से भी ज्यादा दयालु कौन है, संत ही. इसलिए कहते भगवान की केवल एक तिथि मिलता है, जन्म तिथि. भगवान का केवल एक तिथि मिलेगा, जन्म तिथि, लेकिन संतों का दो तिथि है, एक जन्म तिथि और एक होगा तिरोभाव, जब शरीर छोड़ते हैं. लेकिन भक्तों में इतने शक्ति है, इतने शक्ति भक्तों में, वो सौ शरीर में भगवत धाम को जा सकते हैं. जैसे ध्रुव महाराज शरीर नहीं छोड़े, वो सीधा भगवत धाम को चले गए. जैसे श्री मध्वाचार्य
उन्होंने कैसे अप्रकट हुए, कहते जिस समय वो ऐतरीय उपनिषद पाठ कर रहे थे, स्वर्ग से देवता का लोग पुष्पों की बहुचार किया, फूल की बहुचार करने लगे। देखते 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 कि वो लोग देखते देखते इसलिए देखते देखते क्या हुआ, छोड़ दे कथा में तुम्हारे ध्यान तुम लिख रहे हो, इसलिए उन्होंने देखते देखते क्या हुआ, उसको की बहुचार करते 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 पूरा फूल से उनका शरीर ढक गया, पूरा फूल से ढक गया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद में फूल काटा है ना, देखा उनका अंदर कोई नहीं, उनका अंदर में कोई नहीं है, इसलिए भक्त लोग भी उसी तरह भक्त लोग इच्छा करने पर वो सौ शरीर में भगवत धाम को जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करके क्या करते, कृपा करके इसे शरीर में शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर ये शरीर में छोड़ करके जाऊंगा क्या होगा, फिर हमारा तिरोभाव को मनाएंगे तो क्या होगा, फिर उनकी कथा उनकी उपदेश उनका शिक्षा को हम विवेचना करेंगे, उनको हम सुनेंगे कैसे गुरु जी की सेवा करते थे, कैसे वैष्णव की सेवा करते थे, कैसे भक्त सेवा करते थे, कैसे संतो सेवा करते थे, कैसे हरिनाम करते थे, फिर इनकी कथा को सुनेंगे, सुनने पर क्या होगा, फिर लेकिन हम भी अपना जीवन में कोशिश करेंगे हम कैसे भगवान की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, कैसे वैष्णव का सेवा कर सकते हैं, कैसे हरिनाम कैसे करनी चाहिए, कैसे हम हरिनाम करनी चाहिए। इसलिए कहते भगवान से भी ज्यादा दयालु कौन है, संत ज्यादा दयालु, संत उनसे ज्यादा दयालु, ये साधु ज्यादा दयालु है, ये बड़े कृपालु ये साधु है। इसलिए इसी महीना में आप लोगों ने श्रवण किया, कितने साधुओं का जन्म तिथि है, उनका निर्वाह तिथि, इनकी कथा सुन रहे हैं, इनके आदर्श को सुन रहे हैं, इनकी भजन पद्धति को हम सुन रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेरे जो गुरु जी है इनका कल इनका जन्म तिथि, इसलिए ये कार्तिक महीना साधारण महीना नहीं है। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कहते थे ये कार्तिक महीना के अधिष्ठात्री देवता स्वयं से राधा है, इसलिए ये व्रत को कहते ऊर्जा व्रत, ऊर्जा मतलब होता है प्रकाश, ज्योति है, ज्योति जो प्रकाश है, कभी प्रकाश स्वरूपिणी कौन है, श्रीमती राधा रानी, इसलिए ये व्रत का नाम श्री राधा जी के नाम पर ये व्रत का नाम श्री ऊर्जा व्रत है, है? मतलब इसी महीना में थोड़ी सी अगर कोई भक्ति करे, थोड़ी सी जैसे आप लोग धाम में आए हो, कथा सुन रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान की प्रसाद पा रहे हो, भगवान कहते हैं थोड़ी सी अगर इसी महीना में मेरे लिए कुछ करे ना, मैं उसका प्रेम में वशीभूत हो जाता हूँ, उनका प्रेम में वशीभूत हो जाता हूँ उनका प्रेम। इसलिए इस महीना में जो 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 जन्म ग्रहण किए हैं, कोई शरीर छोड़े कोई जन्म ग्रहण किया, कभी बड़े भाग्य से कोई जन्म ग्रहण किया, और जो शरीर छोड़े समझने चाहिए बड़े सौभाग्यवान है, ठीक है ना। इसलिए कल भी हमारे गुरु जी का कल जन्म तिथि है, कल जन्म तिथि हम सवेरे कथा इनकी सुनेंगे, लेकिन उन्होंने 31 उपदेश देकर गए 31, हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी उपदेश को सुनने के लिए, उन्होंने उपदेश किया दिया है। इनका जो पहला उपदेश है वो कहते हैं जो सतगुरु का जो चरण आश्रय है, कहते जो बद्ध जीव के लिए सतगुरु का जो चरण आश्रय है, ये कोई साधारण बात नहीं, बड़े सौभाग्य से कहीं जीव को जीवन में सतगुरु मिला, बड़े भाग्य से मिलता है सतगुरु, कहते एक तो सौभाग्यवान है और क्या है उसमें के सौभाग्यवान भी है, और दूसरे जो चीज कहते हैं कहते बड़े महासमस्या विषय संदेह है ना ही, कहते एक समस्या भी और एक संदेह है और सौभाग्य है। बोले क्यों, कहते जो बद्ध जीव है वो छोटा होता है, बद्ध जीव छोटा है, और जो गुरु होता है उसका नाम गुरु मतलब भोजन,
जो भारी पड़े हैं। इसलिए जो छोटा जीव है वो सदगुरु को पहचानना उसके लिए बहुत कठिन है। हम जगत में किसको बड़े गुरु मानते हैं, बड़े लंबे चौड़े होंगे, मोटे होंगे, लाल लाल देखने वाले, बड़ा तिलक चटा जुड़धारी है और बड़ी है, बड़े लेक्चर देता होगा। कभी कभी हम क्या सोच लेते हैं, अरे बाबा रे है इतने बड़े। लेकिन देखो अभी कितने सारे गुरु जेल में बैठे हैं, कितने सारे गुरु हमारे देश में सब जेल में पड़े हुए, सब जेल काट रहे हैं, सबके सब जेल में बैठे हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जो सदगुरु है बद्धा जीव के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय भी है और बड़े संदेह समस्या का विषय भी है। बोले क्यों, बोले कारण है शास्त्र में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोटि भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता भी। कहते जीव ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 बड़े जो सौभाग्यवान व्यक्ति, सौभाग्यवान मतलब जिनको पूर्व पूर्व जन्म में जिनको भक्ति उन्मुख स्फूर्ति है, भक्ति उन्मुख स्फूर्ति जिसका है, कभी वही व्यक्ति ही जीवन में सदगुरु को प्राप्त कर सकता है, सभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए बोले कौन भाग्यवान, विशेष कोई सौभाग्यवान व्यक्ति ये सदगुरु को प्राप्त कर सकता है, सौभाग्यवान व्यक्ति। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले कैसे प्राप्त करेगा, कहते गुरु कृष्ण कृपा ते पाए भक्ति लता भी। बोले उन्होंने दो व्यक्ति का नाम लिया, एक तो लिया गुरु जी का नाम और एक कृष्ण का नाम। बोले जब ये दो व्यक्ति की कृपा होगा ना तभी जीव सदगुरु को प्राप्त कर सकता है, दो व्यक्ति की कृपा। बोले यहाँ तो गुरु जी से हमारे नाम लिए, हरे नाम तो गुरु जी से मिला, फिर कृष्ण हमारे क्या क्या। फिर कहते गुरु कृष्ण कृपा से सदगुरु मिलता है, पर ये कृष्ण का क्या काम यहाँ पर, हम तो गुरु जी से ही नाम लिए। तो प्रभुपाद इसी विषय पर कहते हैं, कहते अभी जो सदगुरु को पास में लेने वाले कौन है, बोले कृष्ण, कृष्ण। क्योंकि हम अपना आंखों से व अपना बुद्धि से हम सदगुरु को पहचान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे हैं। इसलिए हनुमान जैसे व्यक्ति भी वो भी शंका में पड़ेंगे, हमारी बात छोड़ो, कहते हनुमान जैसे व्यक्ति भी वो भी शंका में पड़ेंगे। बोले कैसे, बोले जिस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्तिशाली प्रहार की और लक्ष्मण गिरा पड़ा हुआ, सुषेण वैद्य ने कहा देखो एक रात के अंदर में अगर कोई गंधमार्दन पर्वत में जाए विशल्य करण लेकर के आए फिर तो वो जिंदा हो सकता है, एक उपाय। हनुमान जी ने कहा केवल मेरे पास आशीर्वाद पर नहीं कर सकता। तो हनुमान जी जब जा रहे थे इतने बीच में रावण ने काल निमित्त भेज दिया, बोले किसी तरह से एक रात उसको रोक लो, एक रात फिर तो कोई चिंता नहीं, फिर तो लक्ष्मण का राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए बीच में ये काल ने मिने बीच में आ गया, रावण भेज दिया, इसने के साधु का रूप धारण कर लिया। हनुमान जी जब जा रहा था इतने में देखा बीच में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो देखा ये तो कोई गुरु भाई है, ये तो मेरे कोई गुरु भाई है। फिर उसने हनुमान जी उतरा, उतर करके देखा सब राम का चिन्ह, तिलक तिलक, साधु का पूरा ड्रेस, साधु का पूरा की पूरा साधु ड्रेस बस। तो उन्होंने सब उसको सब बताया ना, रावण ने भेजा उसको, हैं रावण ने भेजा, लक्ष्मण का शक्तिशाली हुआ तो सुषेण वैद्य तेरे को भेजा ना। बोले ये
कैसे बता इसको, शोषण वैद्य बता लक्ष्मण का शक्तिशाली है और जड़ी बूटी के लिए बोलते पका था साधु है, ये सब जानता है, बोले सब मैं जानता हूँ, है बोले एक रात यहाँ पर रुक जाओ, बोले नहीं नहीं रुक नहीं सकते, बोले तू क्या कर सकता है, राम की इच्छा को पकड़ के पता भी नहीं हिलता है, इसलिए उसकी इच्छा का पता नहीं हिल सकता है, जहाँ पर स्वयं राम है तुम क्या कर सकते हो, उसकी इच्छा पर दुनिया में सृष्टि स्थिर प्रलय होता है, बोले तो सारी सही बात बता रहे हैं। फिर जब उसने स्नान करने के लिए गया, इतने में मगरमच्छ ने पकड़ा, जब उसको मारा, इतने में बड़ी सुंदर एक अवसर रूप धारण की, फिर उसने सारे भेद की बात बताया, बोले देखो वो जो बीच में साधु है ना, वो साधु नहीं वो काल नहीं, वो काल ने भी तेरे रास्ता रुकने के लिए आया, खबरदार रुकना नहीं, फिर धनवान आकर के मारा उसको। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, गुरु कृष्ण प्रसाद में भक्ति लता मिलता है। यहाँ पर गुरु कृष्ण मतलब है जब तक गुरु कृष्ण दोनों नहीं मिलेंगे ना तब तक जीव सदगुरु प्राप्त नहीं कर सकता है, वृंदावन कहते हैं तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे जब श्री ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए गए, गुरु वहां पर बन गए भगवान से नारायण, नारद जी को बुलाया, नारद जाओ तुम जाकर कहो मेरे प्रेम पागल हो रहा है, मेरे को पाने के लिए उतावला हो रहा है, जाओ ऐसे नहीं मंगल करना, परीक्षा करके ठोक पीट करके परीक्षा करके मंगल करना। फिर नारद जी आए, बहुत परीक्षा उन्होंने किया, ठोक पीट करके बहुत परीक्षा किया, फिर परीक्षा करके उन्होंने जब उन्होंने परीक्षा की, बोले घर में वापस चले जाओ, घर में वापस चले जाओ, क्योंकि भजन करने का उम्र होता है, थोड़ी सी मैया गाली दे दिया तो सब छोड़ छाड़ कर भाग कर गा दिया, क्योंकि उम्र होता है भजन करने का, घर में जाओ। तब श्री ध्रुव जी ने पूछा हम कौन हो, बोले मैं नारद हूँ, मैं नारद हूँ, मैं बोले मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया भगवान मिल जाएगा, क्यों, बोले मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ, और नारद हमने सुना ये सबसे कृष्ण का प्रिय भक्त है, नारद सब कृष्ण का प्रिय भक्त है, फिर आपका जब दर्शन हो गया भजन करने के लिए जाते समय, शास्त्र कहता है अगर किसी शुद्ध भक्तों का अगर दर्शन मिल गया ना, बोले सिद्धि भक्ति का निधि संशय अच्युत से बिना, जो भगवान कृष्ण को आराधना करते हैं शास्त्र कोई गारंटी नहीं देता तुम भगवान को पा सकते हो, लेकिन जब किसी शुद्ध साधु का दर्शन हो जाए, बोले संशय अत्र, बोले भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं, शास्त्र कहते हैं जरूर तेरे को भगवान मिलेंगे। इसलिए प्रहलाद ध्रुव कहता है मेरे को जो भगवान मिलेंगे पूरा दृढ़ हो गया, पक्का हो गया भगवान हमें मिलेंगे। इसलिए हमारे गुरु जी का जो पहला जो उपदेश है, क्योंकि जब तक जीवन में हमें सदगुरु की प्राप्ति नहीं होता है ना, जैसे अब राम रवि का नाम सुना है, राम रवि का नाम सुनेगी जो जेल में बैठा हुआ, जो जेल में बैठा हुआ, अभी अभी ये होता है, अभी जिसने उसको भगवान मानते हैं, कभी तो भगवान हमारे लिए गुरु है, अभी उनको जो फलवार हुए हैं फिर उनका कल्याण कैसे होगा बताओ, जो स्वयं असत पथ में चलने वाले कर्म करने वाले उल्टा रास्ता में चल रहा है, अरे उसका जो शरण लिया उसका कल्याण हो सकता है, हो ही नहीं सकता, संपूर्ण वैष्णव धर्म से विरोध सारे काम करने वाले उल्टा, कि सामने जो गुरु मैन है ना वो जैसे बोलेगा हम तो वैसे करेंगे, जो देश बोलेगा, अगर हम सही लाइन में अगर हम खड़े नहीं हुए फिर तो भगवान के पास में कैसे पहुंच सकते हो, तुम जो लाइन में खड़े हुए हो तुम गलत लाइन में खड़े हुए तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं भक्ति जगत में सब सर्वप्रथम जो चीज है सद्गुरु चरणाश्रय है, ये बद्ध जीव के लिए ये बहुत बड़ा एक समस्या का विषय भी है और बद्ध जीव के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं फिर प्रश्न है फिर ये सद्गुरु जीव को मिलता है कैसे, ये मिलेंगे कैसे, तब हमारे गुरु जी कहते हैं हाँ इसका एक उपाय है, बल इसका क्या उपाय है, बल अगर कोई निष्कपट होकर के सच दिल से
निष्कपट हृदय से भगवान से प्रार्थना कर रहे, प्रभु मैं स्वयं किसको पहचान नहीं सकता हूँ, कौन तुम्हारी भजन करने वाले भक्ति करने वाले मैं नहीं जानता, ये चीज को आप जानते हैं, इसलिए आप ही कृपा करके हमें सही रास्ता पर, आप ही हमें सही रास्ता पर ले जाओ, सही रास्ता आप ही हमें दिखाओ। जब हृदय से ठाकुर जी के चरण में हम निष्कपट होकर के हम शरणागत होंगे, फिर भगवत इच्छा से जीवन में धन्य जीवन को जीव को ये सदगुरु प्राप्त होता है। इसलिए कहते इनका ये पहला ही उपदेश है, बल्कि इनका जो दूसरा उपदेश है, बल बद्ध जीव अत्यंत लघु तार पक्ष गुरु गुरुत्व तो उपलब्धि कर असंभव। कहते हैं प्रश्न है कि हम सदगुरु को क्यों नहीं पहचान सकते, कारण क्या है? बोले कारण है जो बद्ध जीव है ये लघु है, मतलब बहुत छोटा है, काम क्रोध का हम माया में पड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर का कुकर्म करते करते आए, जन्म जन्मांतर का पाप कर्म में हम लिप्त है, हम बहुत छोटे हैं, काम क्रोध दास या तार लाठी का है, कभी काम क्रोध का दास बन करके हम उसका डंडा खा रहे हैं, उसके डंडे हमें पड़ रहा है काम क्रोध का, इसलिए कभी हम बद्ध जीव होने का नाते हम जो गुरु, गुरु मतलब होता है जिसका अंदर भारित है, जिसका अंदर में भारी पड़े, इसलिए गुरु का गुरुत्व को हम नहीं समझ सकते। कोई अगर बोलेगा अरे हम देख करके समझ जाएंगे साधु की है, तो नहीं, इसलिए हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं बोले वैष्णव जीने के नारे देवरे सकति मोई को न जान है अति मूढ़। वो कहते हैं जो वैष्णव है आप हमारी बात छोड़ दो, कहते जिस वैष्णव को कहते देवता लोग भी जिनको पहचान नहीं सकते हैं, कहते हम कहाँ एक मूढ़मति मूर्ख है, हम क्या साधु का समझेंगे, जो प्रभुपाद आए थे प्रभुपाद, ये ब्रज में बहुत बड़ा प्रचार था, एक बहुत बड़ा सिद्ध महापुरुष ब्रज में, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष है जिनका नाम था कृष्णदास, कृष्णदास बल्कि ब्रज में बड़े प्रसिद्ध संत है। तो प्रभुपाद जब ये बात वसुंधरा देखने के लिए गए, कैसे प्रसिद्ध संत है, बहुत बड़े साधु, जब ये देखने के लिए गए उन्होंने देखा जिनको ब्रजमंडल में पूरा प्रसिद्ध माँ भागवत कहते हैं, देखा ये कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम तीन तरह का दत्त है, देखा ये कनिष्ठ अधिकारी है, ये मध्यम अधिकारी भी नहीं है, ये उत्तम अधिकारी नहीं, सबसे छोटे वैष्णव है, है? किसने पहचाना? बोले प्रभुपाद। बोले क्यों? बोले प्रभुपाद ये नयन मणि मंजरी है, ये राधा रानी की नयन मणि मंजरी है, इसलिए कहते ना जो सोने को कौन पहचानेगा, सोने को कौन पहचान सकता है, जितपर सोना वो पहचान सकता है, ये सोना में कितने खास है और कितने प्योर है ना, सोना पहचान सकता है, इसलिए गुरुदेव कहते थे जब तक कोई महाभागवत नहीं होना तब तक महाभागवत को नहीं पहचान सकते। जैसे आपने पीएचडी किया, अभी पीएचडी जो किया है तो कि पीएचडी व्यक्ति को पहचानेगा, जो क्लास 1-2-3 व्यक्ति पीएचडी व्यक्ति को कैसे पहचानेगा, उसका महत्व कैसे समझेगा, क्या करता है व्यक्ति पीएचडी होता है तुम क्या पहचान सकते, क्यों तुमने खुद नहीं किया तुम कैसे पहचानोगे। इसलिए मेरे गुरु जी कहते हैं हम बद्ध जीव बड़े छोटे होते हैं, बड़े लघु होते हैं, इसलिए गुरु जी को जो गुरुत्व को हम समझ नहीं सकते, बद्ध जीव के लिए ये बहुत कठिन है। उनका जो तीसरा उपदेश है कहते भक्ति उन्मुख सुकृत जन्म जन्मांतर धरिया संचित है, कौन ना कौन जन्मे श्री कृष्ण कृपा है, श्री कृष्ण भक्त गुरु साक्षात घटे, एवं सही कृष्ण भक्त गुरुदेव कृपाए तार मुखे कृष्ण कथा श्रवण करते करते हृदय भक्ति उद्रेक अनुभव करे, एवं सृज आलोक जगन सूर्य दर्शन है सही रूप साधु कृपा करी, साधु स्वरूप बुझते बारे में साधु प्रदास है हरि भजन उत्कर्ष लाश है। तीसरा उपदेश है अभी
हम सदगुरु को कैसे पहचानेंगे, पहचानने का उपाय किया, कौन पहचान सकता है और कैसे पहचान सकते हैं। तब यहाँ पर कहते हैं, कहते जब तक हमारी पूर्व जन्म का भक्ति उन्मुख सुकृत नहीं, ये बहुत बड़ी बात हो चीज है। इसलिए पूर्व जन्म का हमारी सुकृति होनी चाहिए। सुकृति मतलब क्या है, भक्ति उन्मुख सुकृति मतलब क्या है, तीन तरह का चीज, तीन तरह का चीज होता है, पाप पुण्य और सुकृति, ये तीन चीज होती है। पाप जो वेद वृद्ध कर्म पाप है, गलत काम करना, तो और जो पुण्य है गरीब दुखियों को खिलाना, वस्त्र देना, उनको सेवा, ये सब पुण्य है। कभी ये दोनों चीज नष्ट हो जाती है, कभी दोनों चीज शरीर संबंधी, ये शरीर संबंधी, शरीर नष्ट हो भी नष्ट, लेकिन एक तीसरी चीज होती है सुकृति। सुकृति मतलब अगर हमने कभी गुरु वैष्णव की सेवा की, ठाकुर जी का अगर हमने कभी सेवा की है, जैसे आप लोग धाम में आए हो, कथा सुन रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, आरती दर्शन कर रहे हो, ये सब के सब ये आत्मा संबंधी वस्तु है। इसको द्वारा हमारी सुकृति जन्म हो रही, उत्तम कृति जो भगवत और वैष्णव उद्देश्य में तो काम करते हैं उसको सुकृति कहते हैं। कहते ये जो सुकृति, ये कभी नष्ट नहीं होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा, ये केवल तुम्हारी संचय होगा, केवल तुम्हारी संचय संचय होगा, ये कभी नीचे नहीं उतरते, कभी संचय उतरते हैं। बल इसका फल क्या है, बल इसका फल है जब ये सुकृति इकट्ठे हो जाए, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर इसको भगवत इच्छा से उसको भक्त समझ। सुकृति का जो अंतिम फल है, क्या फल है, भगवत शुद्ध भक्त का दर्शन, यही सुकृति का सर्वश्रेष्ठ फल है। इसलिए श्री हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए लंका में पहुंचे और उन्होंने देखा तुलसी बगीचा, उसको देखा उत्तर ही देखा, सामने लिखा हुआ श्री राम, श्री राम प्रभु का नाम, शंकर कथा पर मेरे दरवाजा खड़े आए, अरे श्री विभीषण जी आए। जब विभीषण आए, हनुमान और विभीषण से वार्तालाप, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, बोले राम के सबसे प्रिय भक्त है, राम के सबसे प्रिय भक्त से हनुमान जी। तो विभीषण क्या कहता है, बोले आज वही भाव भरोसा हनुमंता, बिनो हरि कृपा बिना मिलाई नहीं संसार, जो रघु मेरी वही अनुग्रह किनी तो वही तरस अर्थ। आज तो मेरे को भरसा हो गया, बोले किस चीज का भरसा हो गया, बोले मेरे को ये भरसा हो गया, मेरे ऊपर में प्रभु राम की कृपा है, क्यों, बिनो हरि कृपा बिना मिलहि नहीं संता। जब तक हरि कृपा नहीं हो तब तो संत नहीं मिलते, और जीवन में संत जब मिल जाए, विभीषण कहते हैं क्या समझनी चाहिए, बस अभी मेरा उद्धार हो गया, और उद्धार होने में देर नहीं है। इसलिए कहते जो रघुवीर मय अनुग्रह की, लगता है मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा है। बोले क्यों, बोले चार तरफ में कौन बैठे, कौन है, राक्षस है, अगर किसी इंसान को किसी कोई देख लेना नाश्ता कर लेते हैं, ये ना इनका नाश्ता है, राक्षस का नाश्ता खा लेते हैं, लेकिन चार तरफ में राक्षस है, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता राक्षस को बीच में कभी प्रभु के सबसे प्यारे भगत श्री हनुमान जी का दर्शन, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता है। आज मुझे ये हनुमान जी मिल गए, मतलब ये है बात, मेरे को प्रभु प्राप्ति की कोई शंका नहीं, प्रभु मेरे को मिल गए। इसलिए शास्त्र कहता है जीवन में सचमुच से कोई शुद्ध शांत मिल गया ना, ये समझनी चाहिए हमें भगवत प्राप्ति हो, और कोई डर नहीं, क्योंकि बिनो हरि कृपा बिना मिलहि नहीं संता। इसलिए शास्त्र ने बताया तत्रापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवत दर्शन से भी भक्तों का दर्शन श्रेष्ठ बताया। क्यों, भगवान हमें कोई बात नहीं करते, भगवान बोलते नहीं ये क्यों कर रहे हो, ये गलत रास्ता इधर गुजर, भगवान कोई बोलते नहीं, बोले साधु। इसलिए श्री वसुदेव महाराज कहते हैं ये भगवत दर्शन से भी भक्त दर्शन भी ज्यादा महत्व है। इसलिए मेरे गुरु जी कहते कब शुद्ध साधु का दर्शन मिलेगा, जब हमारी जन्म जन्मांतर का भक्ति उन्मुख सुकृति जब हमारी इकट्ठा होगा, तभी भगवत इच्छा से ये भक्त
तो मिलते हैं, पर भक्त संग मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर हरि कथा सुनेंगे ना, फिर हम हरि कथा सुनेंगे, पर हरि कथा सुनते सुनते क्या होगा? फिर भगवान का चरण प्रतिदिन प्रेम बढ़ेगा, ठाकुर के प्रति प्रेम बढ़ेगा, फिर प्रेम बढ़ते 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 क्या होगा? फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कथा हम शुद्ध साधु का दर्शन समझ नहीं सकते, बल्कि कैसे समझेंगे? तब इन्होंने बच्चा उदाहरण, जैसे सूरज जब अगर कोई कभी रात हो गया, अगर कोई सोचे हम रात को सूरज को देखना चाहते हैं, संभव है? जितने भले ही दुनिया की लाइट जला दो, रात में सूरज दर्शन हो सकता है? नहीं। सूरज दर्शन कब होगा? सवेरे जब होगा, जब सूर्य उदय होगी, सूर्य जब उदय होगी, सूर्य का किरण जब हमारी आंखों को ऊपर में पड़ेगा, जब सूर्य के आंखों को ऊपर पड़ेगा, फिर उसकी किरणों के माध्यम से ही फिर हम सूर्य दर्शन कर सकते, उसका पहले नहीं, रात को दर्शन नहीं कर सकते, उसकी किरण पड़ने पर उसकी किरणों के माध्यम से हम दर्शन। जैसे गुरुदेव कहते हैं जैसे सूर्य आलोकों के द्वारा हम सूर्य को दर्शन कर सकते हैं, कहते ठीक उसी तरह जब तक भगवान की कृपा नहीं हो है? तब तक, जब तक संतों की कृपा नहीं हो, भक्तों का कृपा नहीं हो, तब तक हम अपना बुद्धि से कभी भक्तों का दर्शन हम कर ही नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, तभी उनका हम पहचानेंगे। पहचान करके साधु स्वरूप पूछते बारे साधु पदास रहे हरि भजन तभी हम भगवत प्राप्ति की जो उत्कंठा हृदय में रहता है, हम भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे? फिर क्या होता है? फिर हम कल सुनेंगे सुबह क्या होता है, ठीक है? बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Yeah.